मुझे गर्व है मेरे लाल पे, बहुत गर्व है, और उसकी किक पे। मुझे उसका थोबड़ा देखने का है, और जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक कंट्रोल में रहना। जो जख्म मैंने उसे दिया है वो आसानी से भरने वाला नहीं है। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। आई विल क्लीन दिस सिटी। He's on the move, sir. या तो जेल के अंदर हो या समीप के अंदर। सलमान खान की किक टू मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके लिए लोगों में काफी सालों से एक्साइटमेंट बनी हुई थी, और अब ये एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिल्म मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन इसी के साथ साथ उनका कहना है कि फिल्म को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फिल्म की डिटेलिंग पर काम कर रहे हैं, और अब की बार किक टू मूवी पहले पार्ट से भी काफी बड़ी होने वाली है, जिसमें हमें काफी खतरनाक एक्शन के साथ साथ फिल्म में जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। और मेकर्स का कहना है कि फिल्म की अनाउंसमेंट काफी धमाकेदार होगी। इसी के साथ साथ फिल्म की बाकी के अपडेट्स भी इसी दौरान दी जाएंगी, और आने वाले समय में फिल्म की कास्टिंग और फिल्म की बाकी अपडेट्स के बारे में पक्की खबर मिल जाएगी। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में हमें लीड रोल में सलमान खान देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म में हीरोइन के रोल में दोबारा से जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेगी। फिल्म की बाकी कास्टिंग को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिल्म के अनाउंसमेंट के दौरान हमें फिल्म की बाकी कास्टिंग के बारे में पता चल जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो अभी तक तो फिल्म के डायरेक्टर को लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि किक 2 को भी साजिद नाडियाडवाला ही डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पक्की खबर नहीं आई है। किक मूवी के फर्स्ट पार्ट को साजिद नाडियाडवाला ने ही डायरेक्ट किया था, लेकिन अब देखना यह होगा कि किक 2 मूवी को वो ही डायरेक्ट करते हैं या नहीं, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर वही होने वाले हैं, ये पक्की खबर है। और मेकर्स के मुताबिक अभी फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर डिटेलिंग चल रही है, और इसे भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। फिल्म की स्क्रिप्ट को सलमान खान को सुना भी दिया गया है, और सलमान खान को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई है, लेकिन अभी फिल्म की स्टोरी पर थोड़ा और डिटेलिंग की जा रही है, जिसे आने वाले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम शुरू होगा। फिल्म की कास्टिंग पूरे होते ही तुरंत ही हमें फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी, और मेकर्स का कहना है कि फिल्म की अनाउंसमेंट काफी धमाकेदार होगी, क्योंकि फिल्म भी काफी धमाकेदार रहने वाली है, इसलिए फिल्म की हर एक चीज पूरे धमाके के साथ की जाएगी, जिससे लोगों में किक 2 मूवी के लिए एक्साइटमेंट बरकरार रहे। हो सकता है कि 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाए, और अगर 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो ये फिल्म हमें 2025 के मिड या 2025 के आखिर तक देखने को मिल जाएगी। उससे पहले तो ये फिल्म देखने से रही, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है, और फिल्म में काफी खतरनाक एक्शन के साथ साथ जबरदस्त स्टोरी लाइन भी है। इन सब चीजों में टाइम तो लगेगा ही, इसलिए दोस्तों 2025 के लास्ट तक ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो।